फिल्म है तुम्हारे प्यार की कसम, और इसमें मैं नागेंद्र का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो इसके डायरेक्टर हैं साद जी। और आज का पहला दिन है शूटिंग का, तो आज से शूटिंग ऐसा शुरुआत हुआ है। नागेंद्र एक कैरेक्टर ऐसा है जो बड़े बाप का बेटा है, रईस आदमी है, और वो अपने शर्तों पर अपनी ज़िंदगी को जीना पसंद करता है और अपने ही स्टाइल से जीने की कोशिश करता है। क्या कहना चाहेंगे साथ जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर, उनके साथ एक लैला तीन छला बाद फिर से आप? हाँ, साथ जी के साथ मेरी दूसरी फिल्म है, इसके पहले मैं उनके साथ एक लैला तीन छला जो है मैं कर चुका हूँ। उस फिल्म में भी बहुत ज़बरदस्त रोल था मेरा और वो बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। साथ जी बहुत अच्छे टेक्नीसियन है और हम आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करके काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि उनके जो शॉट्स होते हैं बड़े प्यारे प्यारे सिलेक्शन होते हैं शॉट्स के, जो मोस्टली काफी डायरेक्टरों को सा नहीं करते हैं। तो साथ जी के साथ काम करके काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग बड़ा रिलैक्स होकर काम करते हैं उनके साथ। और इस फिल्म में भी जो आज हम लोग का सीन शूट हुआ है, बड़ा प्यारा सीन शूट हुआ है और काफ़ी मज़ा आया उनके साथ काम करके। और ये फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा, एक छोटी सी बच्ची 3 साल की बच्ची जो है वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फारिया बहुत प्यारी सी क्यूट सी बेटी बेबी है जो शादी की, वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, उनके नाम से बना है। और दूसरे प्रोड्यूसर जो हमारे पास हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, पहली फिल्म के साथ में कर रहा हूँ उनके प्रोड्यूसर हाउस में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा करते हैं। मेरी इस 24 को रिलीज हो रही है प्रशासन, पूरे बिहार में रिलीज हो रही है, बिहार और झारखंड में, और काफ़ी अच्छी काफ़ी बड़ी फिल्म है वो हो रही है। उसके बाद जस्ट मई में रिलीज हो रही है हमारी फिल्म बहुरानी, जो एक बहुत ही साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म है। और उसके बाद भी कई फिल्में हैं, बलम रसिया है, हनक है, कई फिल्में हैं जिसमें इसका संजय सुबह नाम नहीं आता, तो आप बता। दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी साफ सुथरी फिल्म में हमारी अभी रिलीज हो रही है प्रशासन, आप लोग ज़रूर उसे देखें, और ये फिल्म भी बहुत ही अच्छी बहुत ही पारिवारिक फिल्म बन रही है, इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज जो फिल्म की शूटिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म तुम्हारे प्यार की कसम, जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं साद भाई और प्रोड्यूसर एक छोटी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची, और इस फिल्म के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं पहली बार साद भाई के साथ में काम कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे कुछ फिल्मों के ट्रेलर्स एंड काम देखा, उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आपके लिए एक अच्छा सा मेरे पास एक प्रपोज़ल है। तो मैं जब पहली बार उनसे मिलने के लिए गया, तो पहली बार में 5 मिनट के उनके स्टूडियो में जाके 5 मिनट में वो फिल्म मैंने हाँ बोल दी। उस फिल्म की इतनी प्यारी सी स्टोरी है। आपका किरदार क्या है इसमें? इसमें मैं विलेन का किरदार कर रहा हूँ, महेंद्र सिंह कैरेक्टर का नाम है। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के डायरेक्टर साद जी हैं, उनके साथ का भी आज आपने सीन भी दिया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा किस्म के डायरेक्टर हैं, और शायद भोजपुरी को ऐसे डायरेक्टरों की ज़रूरत है जो भोजपुरी के इतिहास को बदल सकें। और क्या कहना चाहेंगे फिल्म के जो अशरफ जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं? जी, अशरफ जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, अभी हम लोगों का सीन उनके साथ में ही था, वो इस फिल्म में एसपी का रोल कर रहे हैं, बड़ा ही अच्छा उनका कैरेक्टर है और साथ ही वो बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं। दर्शकों से तो यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म या दूसरी फिल्म या तीसरी फिल्म, भोजपुरी फिल्म के लिए एक सबसे बड़ा मेरा संदेश ये रहेगा कि भोजपुरी हमारी माटी की खुशबू को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हर फिल्म देख के हमारी भोजपुरी को बढ़ावा दें। थैंक यू। एंड मेरी ऐसे करियर की स्टार्टिंग हुई थी 2001 में, बोनी कपूर के कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, एंड उसके बाद मैंने महुआ चैनल के लिए, जिनका बालिका वधू सीरियल आता है स्पेयर ओरिजन, मिस्टर संजय वाधवा प्रोड्यूसर, उनका शो मैंने लीड किया था करीब 4 साल पहले। एंड उससे पहले सारेगामा एंड वॉइस ऑफ इंडिया के प्रोड्यूसर मिस्टर गजेंद्र सिंह का पहला सीरियल एज एन लीड किया था मैंने, बड़की मलका एंड महुआ के लिए। तो सीरियल मैं कर चुका हूँ भोजपुरी, बट फिल्म मेरी पहली है, और पहले भोजपुरी के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई। और ये शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि मैं कई सालों बाद अपने घर गया था इस बार, और मैं बेसिकली बिहार से हूँ, तो भोजपुरी मेरी मदर टंग है और मुझे भोजपुरी भाषा से वैसे भी बहुत प्यार है,
और उस चीज़ को बहुत मिस भी करता हूँ। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि भोजपुरी आपको करनी चाहिए बिकॉज वहाँ काफ़ी भोजपुरी के चाहने वाले लोग हैं। तो मैंने सोचा भोजपुरी क्यों नहीं करूँ, क्योंकि मैं उस मदर टंग से बिलोंग करता हूँ। वेल, मैंने कुछ एक हिंदी फिल्में की हैं, लाइक रावण विथ शाहरुख खान एंड शूट एट वडाला, स्पेशल 26, सत्या 2, द अटैक ऑफ 26/11 एंड लास्ट रिलीज थी मेरी किक, जिसमें रणदीप हुड्डा के बाद मेन सीबीआई ऑफिसर का रोल, शेखर नाम था, सीबीआई ऑफिसर शेखर, वो प्ले कर रहा था। एंड मेरी आने वाली फिल्में हैं मनोज वाजपेयी के साथ, 10 सितंबर को रिलीज़ है ट्रैफिक, मनोज वाजपेयी जिमी शेरगिल लीड में है, एंड जिमी शेरगिल प्लेइंग कमिश्नर एंड आई एम प्लेइंग आईपीएस ऑफिसर। एंड एक फिल्म सितंबर में ही रिलीज़ है, कट्टी बट्टी, इमरान खान एंड कंगना रनौत के साथ, डायरेक्टर मिस्टर निखिल आडवाणी। एंड निखिल आडवाणी की जी की एक फिल्म और कंप्लीट की है हीरो, जिसमें सूरज पंचोली लॉन्च हो रहे हैं, उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर है, गोड़बोले कैरेक्टर का नाम है। एंड 1/2 भी फिल्म करी थी, अभय देओल ने फिल्म प्रोड्यूस की थी, वो अभय देओल उसमें हीरो भी थे। तो कुछ एक फिल्में अभी लाइनअप पे हैं। अभी आने वाली मेरी फिल्म है गांधीगिरी, जिसमें मैं मतलब सेकेंड लीड हूँ, आई एम प्लेइंग ऑफिसर बिकॉज पिछले 3 साल से सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स के ही कैरेक्टर कर रहा हूँ। मोस्टली मैं क्राइम शो ही ज़्यादा करता हूँ, लाइक सावधान इंडिया, मेनी मोर एपिसोड स्टोरीज मैं कर चुका हूँ। एंड आप लोगों को याद होगा एक पुलिस फाइल्स करके शो आता था, जिसको विनय आनंद जी एंड रवि किशन जी होस्ट करते थे, तो उनके बाद उस शो को मैंने होस्ट किया, करीब 25-30 एपिसोड की स्टोरी मैंने होस्ट किया था। एंड मेरी लाइफ की पहली भोजपुरी फिल्म है, और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि भगवान कृपा से इंशाल्लाह ये फिल्म सुपर हिट हो, क्योंकि मेरी लाइफ की पहली फिल्म है। बाद में साथ जी के साथ पहली बार आप स्क्रीन उनके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे साथ जी के साथ? ही इज वेरी गुड, ही इज बेसिकली मुझे बहुत माइडियर इंसान लगे, बहुत ह्यूमन बीन हैं और कोऑपरेटिव हैं, और एक्टर पे बर्डन नहीं डालते, एक्टर को फ्री कर देते हैं काम करते वक्त, कि उनका उनके जो सीन की डिमांड है, उनके शॉट्स की जो डिमांड है, जो वो चाहते हैं, वो अपनी सारी चीज़ें एक्टर के सामने रख देते हैं, देन एक्टर को फ्री कर देते हैं कि आपका दिमाग क्या कहता है, आपकी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, तो आप उस वो फ्रीडम को कंटिन्यू करके आप इस शॉट को दे सकते हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी दिल से, कि थोड़ा एक्टर भी अपने आप को फ्री महसूस करता है और थोड़ा सा खुल के परफॉर्मेंस दे सकता है। थैंक यू। मेरा रोल मुनिया का कैरेक्टर है मेरा, जो पहले कल्लू जी से प्यार करती होती है, उसके बाद सडनली कुछ ऐसा होता है कि सतेन जी मेरी लाइफ में आ जाते हैं, तो मैं उनसे प्यार करने लगती हूँ, और फिर उसके बाद विलेन के साथ जाके फिर सारी कुछ उनकी जो सीक्रेसी होती है वो इंस्पेक्टर को बताती हूँ, एंड समथिंग कुछ ऐसा इस फिल्म में आपको रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, एवरीथिंग मिलेगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैरेक्टर का? नहीं, मेरा नेगेटिव नहीं है, मेरा पॉजिटिव ही है। बट खुन्नस में आप विलेन के साथ दे देते हैं? हाँ, थोड़ा सा एक्चुअली विलेन लोग को ऐसा लगता है कि मैं उनके साइड हूँ, बट एक्चुअली उनके साइड नहीं होती, मैं इंस्पेक्टर के साइड हूँ, ऑलमोस्ट हीरो हीरोइन के साथ ही होती हूँ। साथ कुमार जी के साथ पहली बार आप काम करने का करना चाहेंगे? हाँ, मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है, मेरा पहला चांस है कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, और वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं उनको अभी तक जितना जानी हूँ बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही अच्छा नेचर मुझे लगा, अब काम का एक्सपीरियंस भी अच्छा ही होगा, ऑलमोस्ट ये मेरी पहली है और मैं चाहूँगी कि मतलब हर मूवी में मैं उनके साथ काम करूँ। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो बेबी फारिया जो 3 साल की बच्ची है, और अशरफ अली जी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, वो बच्ची तो बहुत ही क्यूट है, उस बच्चे तो फिर उसके आगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, बहुत क्यूट है, और प्रोड्यूसर है, उससे अच्छी बात क्यों होगी। और अशरफ सर, मैं उनके बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा इंसान है, एक्चुअली मैं उनसे मिली और उनका नेचर, उनका जो बात करने का स्टाइल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मेन बात सबका नेचर अच्छा होना चाहिए बस, और क्या चाहिए, नेचर उनका बहुत अच्छा है। ऑडियंस से कहेंगे जब जितना प्यार अभी तक दिया है उतना ही प्यार और दें, अभी मैं कोई बहुत बड़ी स्टार नहीं हूँ बस, लेकिन आप ही लोग स्टार बनाएंगे, इसलिए अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा फेस पे गुस्सा, मतलब आप ऑफिसर हैं, आप किसी को गाली नहीं दे सकते,
सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने गुस्से को निकाल रहा है। वर्दी पहन के ढेर गर्मा गई बड़े का कैमरे की जरूरत देखना है, उधर भी बस इनको देखना है, जरा खड़े हो तो मेकअप का सामने कर, बस इनको आप देखते रहिए। चलिए वर्दी पहन के ढेर गर्मा गई बड़े का जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करूंगा और सारे दर्शक को नमस्कार करता हूं। ये फिल्म तुम्हारा प्यार की कसम है और ये फिल्म साथ जी हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे ही मेकर हैं और उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में के लिए चुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग सेट पे शूट कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। आपके किरदार किस तरह निभा रहे हैं? जी मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहा हूं और बहुत ही अच्छा रोल है और चैलेंजिंग रोल है और बहुत ही अच्छा इंसान है और इंसानियत की लड़ता है। बात के साथ जी साथ पहली बार आप काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? साथ जी बहुत अच्छे मेकर है, बहुत अच्छे डायरेक्टर है और साथ जी को मैं क्या बताऊं, वो तो सब लोग जानते हैं कि बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं और उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। बात करें अशरफ भाई इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और बेबी फारिया जो छोटी बच्चों भी प्रोड्यूसर है, क्या करना चाहिए? जी अशरफ भाई बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं और मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, दुआ दिया है और फारिया एकदम जो अपनी हमारी प्रोड्यूसर है भाई, तो इन लोग के को भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ। दर्शकों को यही कहूँगा कि भाई मैं अभी फिल्म जो साथ जी के साथ कर रहा हूँ वो अच्छी फिल्म है तुम्हारे प्यार की कसम, इसको देखें और हमें आशीर्वाद दें, प्यार दें और हमको ज़्यादा स्नेह दें। दोबारा जानना चाहेंगे और आपका